जहाँ देव निवास करें उसे देवास कहते हैं। देवास में चामुंडा टेकरी पर माँ चामुंडा और तुलजा भवानी ने अपना दरबार सजाया हुआ है। बड़ी खूबसूरत जगह है, आइए मिलकर दर्शन करते हैं माँ तुलजा भवानी और चामुंडा देवी के। दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों हम लोग देवास में हैं और देवास में चामुंडा टेकरी जहाँ माता तुलजा भवानी और चामुंडा माता का मंदिर है, तो हम लोग चल रहे हैं माँ तुलजा भवानी और चामुंडा माता के दर्शन करने। चामुंडा टेकरी तक जाने के लिए आप तीन रास्तों में से किसी भी रास्ते का उपयोग कर सकते हैं। एक रास्ता है सीढ़ियों का, लगभग 150 सीढ़ी आपको चढ़कर पहुंचना है। एक रास्ता है परिक्रमा पथ, चामुंडा पर्वत के परिक्रमा पथ, उसमें लगभग एक घंटा आपको लगेगा, 3 से 4 किलोमीटर। और तीसरा रास्ता है जिस रास्ते पर अभी हम चल रहे हैं, वो है पैदल का रास्ता, इसमें 1 किलोमीटर की चढ़ाई हमें चढ़नी है और हम टेकरी पर पहुँच जाएंगे। इसके अलावा आप रोपवे का भी उपयोग कर सकते हैं ऊपर तक पहुँचने के लिए। चामुंडा टेकरी या चामुंडा पर्वत की परिक्रमा भी की जा सकती है, लगभग 4 किलोमीटर की यात्रा है। 1 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर हम लोग पहुँचेंगे चामुंडा टेकरी, और लगभग आधा किलोमीटर पहले यानी यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है बड़ी माता तुलजा भवानी, और आधा किलोमीटर आगे चलेंगे तो हम पहुँचेंगे छोटी माता यानी चामुंडा देवी। एकदम खड़ी चढ़ाई है चामुंडा टेकरी की जिस पर अभी हम चल रहे हैं। थोड़ा सा ही ऊपर चढ़े हैं और यहाँ से हमें पूरा देवास शहर दिखाई दे रहा है। सामने दिखाई दे रहा है तुलजा भवानी का मंदिर, जिसे बड़ी माता के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आधा किलोमीटर की यात्रा पूरी करके हम लोग पहुंच चुके हैं माँ तुलजा भवानी के दरबार में। मेरे पीछे देख रहे हैं पूरा देवास शहर, ये है मंदिर माँ तुलजा भवानी का। माना जाता है चामुंडा देवी और तुलजा भवानी दोनों बहनें हैं। दोनों बहनों में किसी बात पर विवाद हुआ, एक दूसरे से नाराज होकर इस टेकरी को छोड़कर जाने लगी। माँ चामुंडा माता पाताल लोक की तरफ जा रही थी और तुलजा भवानी भी इस टेकरी को छोड़कर नीचे उतरने लगी। तब हनुमान जी और भैरव बाबा, इन्होंने दोनों माताओं को मनाया और यहीं रोक लिया। चामुंडा माता पाताल लोक की तरफ जा रही थी, उनका आधा हिस्सा पाताल लोक को जा चुका था, तो वे जिस अवस्था में यहाँ थी उसी अवस्था में यहाँ रुक गईं। इसी प्रकार तुलजा भवानी भी टेकरी से नीचे उतरते उतरते जहाँ थी वहीं पर रुक गईं। इस तरह दोनों माताएं वापस इसी टेकरी पर विराजमान हो गईं। इस प्रकार आज भी दोनों माताएं अपने उसी स्वरूप में यहाँ विराजमान हैं। तुलजा भवानी के मंदिर से बाहर निकलते हैं, सबसे पहले हनुमान मंदिर। तुलजा भवानी के लिए लगभग आधे किलोमीटर की चढ़ाई हम लोगों ने की, और बची हुई आधे किलोमीटर की चढ़ाई अब चढ़ाई नहीं है, उतार है। माँ कालिका मंदिर, कालिका माता का मंदिर। खो माता का मंदिर, खो माता। मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही है, मतलब हम मंदिर के बहुत निकट पहुंच चुके हैं, और संभवतः पीछे जो दिखाई दे रहा है यही है चामुंडा देवी का मंदिर।
यहाँ जो मूर्तियाँ विराजित हैं ये स्वयंभू मूर्तियाँ कही जाती हैं और माता की ये मूर्तियाँ जागृत स्वरूप में हैं। सच्चे मन से यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है वो हमेशा पूरी होती है। इसके साथ ही देवास के संबंध में एक और लोक मान्यता है कि यह ऐसा पहला शहर है जहाँ दो राजवंश राज करते थे, पहला होलकर वंश और दूसरा पंवार राजवंश। बड़ी माँ तुलजा भवानी देवी होलकर वंश की कुलदेवी हैं और छोटी माँ चामुंडा देवी पंवार वंश की कुलदेवी। देवास शहर मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी, वहीं उज्जैन से भी 35 किलोमीटर की दूरी पर है। आगरा बॉम्बे राजमार्ग पर स्थित है, जहां आप बस से, ट्रेन से और निकटतम हवाई अड्डा भी इंदौर का ही है, किसी भी माध्यम से आप यहां पहुंच सकते हैं। टेकरी में दर्शन करने वाले श्रद्धालु बड़ी माता और छोटी माता के साथ साथ भैरव बाबा के दर्शन को भी अनिवार्य मानते हैं। माँ भगवती आदि अनादि काल से विराजमान है। जहाँ जहाँ शक्ति के खंड गिरे वहाँ पर शक्ति फिर हुआ, जहाँ रक्त गिरा वहाँ पर अर्धा शक्ति के रूप में विराजमान माँ चामुंडा विराजमान है। दिन में तीनों बदलती, सुबह बचपना, दोपहर को जवानी, शाम को वृद्धावस्था माँ के चेहरे के भाव से मालूम पड़ता है। मंदिर जो है राजा विक्रमादित्य के समय का है। अच्छा। और स्टेट कालीन से विक्रमादित्य के समय से मंदिर है। नाथ संप्रदाय की तपोभूमि है। भरतरी जी, गोरखनाथ जी, नरसिंहनाथ जी भी यहाँ पर 12 वर्षों से तपस्या कर गए यहाँ पर। अच्छा। बाजू में एक मंदिर दिखाई दे रहा है, ये नगानाथ जी महाराज की समाधि है। हाँ। 12 फीट के साधु हैं। 12 फीट के साधु। हाँ। और नीचे तक हाथ है उनके। अच्छा। यहाँ तक जटा है, चेहरे पे सूर्य का समान तेज है। जीवित समाधि ली थी इन्होंने। समाधि। नाथ संप्रदाय के एक संत नगानाथ जी महाराज ने यहाँ जीवित समाधि ली थी। यह है नगानाथ जी की जीवित समाधि स्थल। रोपवे की टिकट है 126 रुपये प्रति व्यक्ति आना और जाना दोनों, और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 101 रुपये। यहाँ हम 20 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सुंदर स्थान है देवास का चामुंडा टेकरी। हमने दर्शन किए माँ तुलजा भवानी के और चामुंडा देवी के। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो माँ चामुंडा, जय हो माँ तुलजा भवानी, जय माता।